हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मैंगो केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बनता है, सभी को बहुत पसंद आता है, खासकर बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। बच्चे तो इसे देखकर खुशी हो जाएंगे। मैंगो का सीजन शुरू हो गया है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने वेट फ्लावर लिया एक कटोरी, गेहूं का आटा, दही है आधी कटोरी, मैंगो जूस है, दूध लिया है, पाउडर शुगर 2 चम्मच के करीब, ऑयल लिया है, थोड़ा सा मीठा सोडा यूज करेंगे, मैंगो का पल्प निकाल के मिक्सर में थोड़ा पीस ले, पानी मिलाकर हल्का सा ही पानी मिलाना, बहुत ज्यादा नहीं। एक बाउल लेंगे हम, इसमें हम पाउडर शुगर डाल देंगे, हम दही डालेंगे, आधी कटोरी हमने लिया है, ये बहुत ज्यादा खट्टा वाला दही नहीं है। ऑयल डालेंगे हम, आप कुकिंग ऑयल यूज कीजिए इसके लिए, जिसमें स्मेल बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। हमें मिक्स करना है इसे अच्छे से मिक्स करें, जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए सारी। स्ट्रेनर की हेल्प से हम वेट फ्लावर को एक बार छान लेंगे, इससे क्या होगा, इसकी जो एयर है निकल जाएगी और केक हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए हमने सारा आटा छान लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम अभी। अब मैंगो का पल्प डाल देंगे इसमें, हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, मैंने 1 कटोरी यूज किया है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक चम्मच हमने मीठा सोडा लिया है, बाकी का बचा हुआ दूध हम बाद में यूज करेंगे, अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने केक के बर्तन को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, इससे क्या होगा, केक हमारा आसानी से निकल जाएगा। अच्छे से ग्रीस कर ले चारों तरफ, थोड़ा सा सूखा आटा इसमें डाल देंगे, केक का बैटर हम बर्तन में डालेंगे। ये देखिए हमने केक का बैटर डाल दिया है, हल्का सा टैप कर ले, इससे एयर जो है निकल जाए सारी। हमने 5 मिनट पहले पतीले में 1 कटोरी नमक डालकर, एक स्ट्रेनर डालकर गर्म होने के लिए रखा था हाई फ्लेम पे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये नमक हमने कई बार यूज किया इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। हम केक का बर्तन पतीले में रख देंगे अच्छे से, सावधानी से रखें क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है। अब हम इसे ढक देंगे, गैस को लो फ्लेम पे रखना है, 40 से 45 मिनट तक हमें इसे पकाना है लो फ्लेम पे। ये देखिए 45 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए केक कितने अच्छे से फूल गया है, अब नाइफ की हेल्प से हम चेक करेंगे इसे। ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब कि हमारा केक पक चुका है। केक को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, ये मैंगो का पल्प है 1 कटोरी मैंने निकाल के रखा था, इसमें हम 2 चम्मच पाउडर शुगर इस्तेमाल करेंगे,
थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मिल्क हम लेंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे इसमें, हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही। एक चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, एक चम्मच हमने अच्छे से हमें कॉर्नफ्लावर मिक्स डाला करना है, है। लम्स ख़त्म होने तक अच्छे से मिक्स करना है हमें। मिक्स करने के बाद हमें इसे कुक करना है, लम्स पाँच से बिल्कुल भी सात नहीं मिनट होने चाहिए, मीडियम अच्छे फ्लेम से पे मिक्स कर लें। लें। ये देखिए इसके लम्स सारे ख़त्म होने लग गए हैं, हम इसे कुक कर हम लेते हैं। ये गैस में देखिए चढ़ाएंगे 5 से 7 मिनट इसे, हमें मीडियम फ्लेम पे पांच ही से पकाना सात है, मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाना चलाते हुए है। पकाए, ये जिससे देखिए बिल्कुल हमारे भी इसके इसके लम्स ठंडा ना हो बन चुका पाए। है। हमें इसे क्रीम की तरह यूज करना है, 5 से 7 मिनट हो गए, हम साइड में रख देते हैं ठंडा हो जाए जिससे। ये देखिए केक का बर्तन भी ठंडा हो चुका है, हम केक निकाल लेते हैं, नाइफ से हमने लूज कर लिया है साइड का कॉर्नर, चारों तरफ अच्छे से इसे लूज कर लें, इसे केक आसानी से निकल जाता है। अब हमें प्लेट लेंगे, ऐसे रखना है हमें, इसको पलटा देना है, हल्का सा टैप कर लें। ये देखिए हमारा केक अच्छे से निकल गया है, देखिए कितना स्पंजी भी बना हुआ है ये केक। हम इसे पलटा लेते हैं, ये देखिए हमने पलटा लिया इसे, ये देखिए दबाने में कितना स्पंजी लग रहा है ये। देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना, एकदम फूला फूला। हमने जो मैंगो की प्यूरी बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी है, हम ऐसे डाल देंगे स्पून की हेल्प से, इसे ऐसे फैला देना है हमें चारों तरफ। इससे क्या होगा, मैंगो का एक लेयर बन जाएगा जो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमने इसे लगा दिया है चारों तरफ अच्छे से, आधे घंटे के लिए हमें ऐसे ही रख देना इसे, जिससे ये सेट हो जाए। ये देखिए आधे घंटे हो गए, बिल्कुल अच्छी तरह ये सेट हो चुका है। आप पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। अब हम खट्टी मीठी कैंडी इसमें लगा देंगे, मैंगो के पीसेस भी लगा देंगे इसमें, जिससे देखने में और भी अच्छा लगेगा। हमें चारों तरफ लगा देना। ये देखिए हमने मैंगो के पीसेस लगा दिए, हमारा मैंगो केक बन के तैयार है। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।